So today we are going to start a new chapter and the new chapter name is cost of capital, right? क्या chapter का नाम है? Cost of capital. तो cost of capital सुना हुआ आपने पहले कभी? नहीं सुना हुआ, कोई बात नहीं, सुनते हैं समझते हैं. देखो आपने सुना हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको हमेशा हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. फंड्स मतलब सॉरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको हमेशा हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. फंड्स मतलब कि पैसा, मनी, राइट. अब जो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये आप सभी समझ सकते हो कि ज़िंदगी जो है बिना पैसों के नहीं चलती. अगर बिना पैसों के ज़िंदगी चलती होती तो आप भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते और हम भी कोरोना काल में भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, राइट. सो हमें जो है मेहनत करना पड़ता है जस्ट टू मेक मोर रिसोर्सेज, राइट. और रिसोर्सेज जो हैं वो फंड्स के थ्रू ही क्रिएट होते हैं. इनफैक्ट फंड्स ही रिसोर्सेज हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है. यानी कि उसको तो फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. और फिक्स एसेट्स के बिना वो आगे काम नहीं कर पाएगी. फंड्स की जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए. वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़. और इसके अलावा जरूरत पड़ती है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए. डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जरूरत पड़ती है, राइट. और कुछ फंड से जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने के लिए. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, लोन के इंटरेस्ट पे करना है, लोन लिया हुआ है, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, उसके पैसे वापस करने हैं, राइट. सो और इसके अलावा डिविडेंड देना है, तो इसके लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. अब कंपनी जो है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में से पैसा बचाती रहती है और इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करती रहती है. बट नई कंपनी के लिए प्रॉफिट होता नहीं है, तो कंपनी को जो है पैसों की रिक्वायरमेंट है. कंपनी जो है प्रॉफिट में से, तो नई कंपनी है तो नई कंपनी में प्रॉफिट तो है नहीं. प्रॉफिट नहीं है तो उसको फंड्स रेज करना पड़ेगा, नंबर वन. नंबर टू, पुरानी भी कंपनी है, फंड्स ऑलरेडी है, ऑलरेडी फिक्स एसेट में लगाया हुआ है, बट मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने फिक्स एसेट्स को अपडेट करना है, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, या कोरोना में जो है कंपनी की जो हालत ख़राब हो चुकी है. हालत ख़राब होने का मतलब है कि सेल्स हो नहीं रही है, पर जितने खर्चे हैं वो एज इट इज़ हैं. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज के डेट में एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी थी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आपने सुना ना, ABFRL, है ना. अब कोरोना के अंदर जो है कंपनी की सेल बहुत कम हो गई, अब खर्चे उतने के उतने हैं, कैपिटल प्लान जो है उतने उतने हैं, तो कंपनी क्या करे. कंपनी जो है प्रॉफिट में से तो पैसा बचा के काम कर नहीं सकती, तो कंपनी ने क्या सोचा, तो एक काम करते हैं मार्केट से पैसा रेज करते हैं. अब मार्केट से जब पैसा रेज करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे फिक्स एसेट्स के लिए हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो, या वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, उसको जो फंड्स रेज करने होते हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से करने होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मतलब, हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मतलब सोर्स हो सकता है इक्विटी, सोर्स हो सकता है डेप्ट, राइट. सोर्स हो सकता है डिवेंचर्स. डिवेंचर्स डेप्ट एक ही बात है, नाम में थोड़ा बदलाव हो गया है. और इसके अलावा हो सकता है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया जाए. अगर प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा बचा लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स. और एक सोर्स और हो सकता है, डेट इज प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो यहाँ से भी पैसा रेज हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं फंड्स के रेज करने के. बट सर, जितने भी सोर्सेज से पैसा रेज हो सकता है, हर एक सोर्सेज की अपनी एक कॉस्ट भी है. अगर आप किसी भी पर्सन से पैसा उधार लोगे तो उस उधारी के बदले में उस पैसे को तो वापस पे करना ही है, उसके अलावा भी उसको कुछ हर साल पे करना पड़ेगा. डैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, राइट. अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी के बदले में हर साल डिविडेंड के फॉर्मेट में अमाउंट पे करना होता है, राइट. और अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो डिबेंचर्स को हर साल इंटरेस्ट के फॉर्मेट में कुछ पे करना पड़ता है.
रिटेन अर्निंग को पे तो नहीं करना पड़ता, बट रिटेन अर्निंग्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इक्विटी. रिटेन अर्निंग्स आर द वेरी मच पार्ट ऑफ द इक्विटी. तो इक्विटी को जो पे करते हैं वो रिटेन अर्निंग के पैसों को मिला कर पे करते हैं. मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ की इक्विटी रेज की हुई है और कंपनी के पास सपोज करो 500 करोड़ की रिटेन अर्निंग है, तो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो 100 करोड़ प्लस 500 करोड़ मिलाकर 600 करोड़ हुआ, और 600 करोड़ के ऊपर हमारी कंपनी डिविडेंड पे करती है टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. रिटेन अर्निंग्स आर द पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, राइट. और अगर कंपनी ने पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उधार लिया हुआ है तो इनको भी इसके बदले में पे करना पड़ेगा. नाम इसका भी डिविडेंड होता है, पर इसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं. इक्विटी को पे करेंगे तो इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट. अब कहने मतलब ये है, हमने आपको जो ये कहा कि हम लोग यहाँ पर डिविडेंड पे कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग पर भी पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. सो हर साल की हमारी कंपनी पर एक बर्डन पड़ती है, कॉस्ट पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द रेजिंग ऑफ द फंड्स, बिकॉज ऑफ द इशूइंग द फंड्स, इक्विटी एंड डिवेंचर इज कॉल्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, राइट. और वही फाइनेंशियल कॉस्ट हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसी फाइनेंशियल कॉस्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. क्यों फाइंड करते हैं हम लोग आपके साथ, इसके बारे में अभी आने वाली थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. इज इट क्लियर? अब हम और आगे बढ़ते हैं, और क्या बढ़ते हैं कि सर इक्विटी होल्डर्स को तो चलो डिविडेंड पे करता है. इक्विटी होल्डर्स पर डिविडेंड जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है? इक्विटी होल्डर्स पर इस डिविडेंड इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ है. हायर द प्रॉफिट, हायर विल बी द डिविडेंड. लोअर द प्रॉफिट, लोअर विल बी द डिविडेंड, राइट. इक्विटी होल्डर्स पर हम लोग कितना डिविडेंड पे करेंगे ये डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड है वो पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, लेट अस से 12%, राइट. और डिबेंचर होल्डर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से फिक्स किया जाता है, पहले ही फिक्स कर लिया जाता है, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, या वो किसी भी फॉर्मेट में डेप्ट हो, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पहले से ही डिसाइडेड होता है. एंड डैट इज कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया 10%, राइट. अब मेरा सवाल ये है, और ये सवाल इनफैक्ट आपका होना चाहिए, तो क्या ये 12%, क्या ये 10% और जो डिविडेंड हम लोग इक्विटी होल्डर्स को पे करेंगे लेटर से 15%, इनफैक्ट कंपनी जैसे बोलती हैं कि हमारी कंपनी जो है इस बार 50% डिविडेंड पे कर रही है. अब 50% मतलब हुआ कि जितना भी फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू का 50%. तो कंपनी जो है 50% डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी ऐसे बोलती है, अनाउंस करती है. अब जो अनाउंस करती है तो ये जो अमाउंट है क्या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं या नहीं? इज इट आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नॉट? दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, राइट. सो क्या आप कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं, विचार कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू? जरूर सोचिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं आप समझ भी नहीं पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे. रिटेन करने के लिए सोचना बहुत बहुत जरूरी है. क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कुछ, चाहे वो सही या गलत, मान लो कुछ गलत हुआ, राइट, मैंने उसका एक रिवर्स आंसर दे दिया क्योंकि बोले गलत है, मैंने आपको कुछ आंसर और दे दिया, तो अब आपको याद रहेगा, अच्छा मैंने ऐसे सोचा था, ये आंसर है इसका, राइट. इससे चीज़ें याद होती हैं, रिटेन्ड होती है. तो सोचना जरूरी है. अगर सही सोचा और मैंने भी आपको वही बताया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती. मीन्स यू आप अपने आप को एक शाबाशी देंगे, यस मैंने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज़ गुड. इन द बॉथ द वेज, चाहे आप सही हो या गलत हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए आपको सोचना जरूर चाहिए, इट्स मस्ट. अच्छा, आंसर ये है कि जो 12% है, ये जो 10% है, ये जो इक्विटी होल्डर्स का जो हमने ये 50% ऐसे बोल दिया, 50% ऑफ द फेस वैल्यू, दैट इज नॉट ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज ओनली एन आर्टिफिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऐसा मैंने आपको क्यों बोला समझेगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, राइट. सबसे मैंने डिबेंचर्स की बात की, मतलब डेप्ट की बात की, डिबेंचर्स, राइट. सपोज करो एक कंपनी ने 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए, राइट.
अब 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए और साथ ही साथ रेट भी डिसाइड कर लिया, और रेट डिसाइड कर दिया सपोज करो 10%, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये कंपनी हर साल 10% ऑफ 1 करोड़ यानी कि 10 लाख रुपए का हर साल डिविडेंड पे करेगी जब तक ये डिबेंचर्स वापस रिडीम नहीं हो जाते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। 500 साल में इस कंपनी को 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक ये डिबेंचर्स रिडीम नहीं हो जाते। लेट अस से 5 साल के बाद रिडीम हो गए, कुछ भी मान लो एज्यूम कर लिया, नथिंग एल्स, आज 30 रुपए इशू किए और 5 साल के बाद रिडीम हो जाएंगे। अब ये 10% जो है ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहें या ना कहें, कह सकते हैं अगर आप वाकई में 1 करोड़ रुपया रिसीव कर रहे हैं, मतलब कंपनी ए जो इस डिवेंचर्स को इशू कर रही है वो वाकई में उसके जेब में अगर 1 करोड़ रुपया आ रहा होता तो हम लोग 1 करोड़ को पक्का, मतलब सॉरी 10% को पक्का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह देते हैं। बट एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट अस से डिस्काउंट पर इशू करती है, लेट अस से कि 5% का डिस्काउंट दिया कंपनी ने, डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, जैसे इक्विटी इशू होता है वैसे ही डिबेंचर्स भी डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो 1 करोड़ के डिबेंचर के फेस वैल्यू में अगर 5% का डिस्काउंट है तो कंपनी ने 95% यानी कि 95 लाख रुपीज ही रिसीव किए। कितने रिसीव किए? 95 लाख रुपीज। तो कंपनी की पॉकेट में जो पैसा आए वो 95 लाख आए, नंबर वन, राइट। हालांकि 95 लाख भी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब कंपनी को भी ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर्स इशू करती है या इक्विटी रेस करती है तो वो खुद से नहीं करती, उसको जो है एक बैंक अपॉइंट करना पड़ता है, राइट। उसको आप कुछ भी कह लो, एजेंट कह लो, व्हाटएवर जो भी नाम दे दो, तो वो जो एजेंट होता है वो इस इशू का काम करता है। ये 1 करोड़ का मैंने छोटा सा अमाउंट ले लिया, बट एक्चुअल में 1 करोड़ नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, व्हाटएवर। तो उसका भी एक अपनी एक एक्सपेंस होता है, जो हम लोग एजेंट रखेंगे, जो कंपनी ने एजेंट रखा होगा उसका भी अपने आप में एक एक्सपेंस है, राइट। और जो एक्सपेंस है कंपनी का, तो वो एक्सपेंस लेट अस से 2% का है, तो 1 करोड़ का 2% यानी कि 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए उस एजेंट को भी पे करने पड़ेंगे। अगर 2 लाख रुपए उस एजेंट को भी पे करने पड़ेंगे तो हमारी कंपनी ए के पास जो एक्चुअल में पॉकेट में जो पैसा आया वो ना तो 1 करोड़ आया, 1 करोड़ तो फेस वैल्यू है, राइट। और 5% का डिस्काउंट दिया, 5 लाख का डिस्काउंट, 2 लाख रुपए का कमीशन, यानी कि कंपनी की जेब में 93 लाख आए। तो कंपनी को 93 लाख रुपीस अपनी पॉकेट में रिसीव हो रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हर साल 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और जो ये 10 लाख का इंटरेस्ट है वो 10% ऑफ 1 करोड़ हमेशा कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो कंपनी की जेब में 93 लाख रुपीज ही क्यों ना आया हो, राइट। सो दिस कॉस्ट इज एक्चुअली कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू, बट एक्चुअली दिस कॉस्ट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू 1 करोड़, एक्चुअली दिस कॉस्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नॉट 1 करोड़, इट इज 93 लाख। सो दिस मीन्स वी हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट of debentures, cost of debt, not on the basis of 1 crore but on the basis of 93 lakh. So this means 10% is not our cost of capital, right? इसके अलावा और भी कहानी में ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट और भी है, क्या है कि जब कंपनी हर साल, इज इट क्लियर? मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया उस रिस्पेक्ट से हमारी कंपनी के ऊपर हर साल क्या बर्डन पड़ रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो मैंने पहले इसको लिखवा देता हूँ सो डैट आप जो है ज़्यादा इजी वे में कर पाए। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द organization per annum on amount
रेज्ड, राइट, ये वर्ड है रेज्ड। रेज का मतलब यहाँ पर किससे है, अमाउंट दैट कम्स इन पॉकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जेब में आ रहा है, जेब में आ रहा है, उस अमाउंट की रिस्पेक्ट से जो फाइनेंशियल बर्डन हमारी कंपनी पर पड़ रहा है पर एनम के फॉर्मेट में, पर एनम के फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिस्पेक्ट से आपको कुछ बातें क्लियर हुई जो कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स का पक्का आएगा ये चैप्टर। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में भी यूज होता है और इनफैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसी रीजन से मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, प्रोवाइडेड आप जो है खुद भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो, राइट। सो व्हाट आई सेड, इस डेफिनेशन के, अच्छी डेफिनेशन कहीं मिलेगी नहीं, ये डेफिनेशन सिंपली समझने के लिए है, राइट राइट, नो डाउट हमारी बनाई हुई है। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, दीज आर द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो पर एनम की फॉर्मेट में होती है, किस फॉर्मेट में होती है, पर एनम, राइट। और ये जो है ये फाइनेंशियल बर्डन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ता है, राइट। और ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट, अमाउंट रेज्ड का मतलब है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो पर एनम की फॉर्मेट में हो, फाइनेंशियल बर्डन हो और विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रेज्ड हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज इट क्लियर। अच्छा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे इस एग्जांपल के अंदर जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमारी कंपनी ने 93 लाख रुपीस रिसीव किया, उस 93 लाख रुपीस के रिसीव के बदले में हमारी कंपनी 10 लाख रुपए का अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट हर साल पे कर रही है, ऐसा ही है ना। बट एक्चुअल में ये भी नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंज है। क्या कि एक्चुअल में अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे हर साल 10 लाख का है ही नहीं, है ही नहीं। एक्चुअल में जो फाइनेंशियल बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन पर, वो फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख से कुछ कम है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्सेस। आपको कैसे टैक्सेस कहाँ से आ गया बीच में, सर बिल्कुल टैक्सेस तो हर जगह पे आएगा ही आएगा। देखो मान लो 30% का टैक्स रेट है, मान लो टैक्स रेट कितना है 30%, राइट। अब 30% का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो 30% टैक्स पे करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा। दो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ले लिए, ऑर्गेनाइजेशन वन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू, राइट। अब थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं, मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन ले लिए, ऑर्गेनाइजेशन वन ऑर्गेनाइजेशन टू, राइट। एंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज करो इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कुछ भी ले लिया 40 लाख, दोनों का 40 लाख, राइट। अब यहाँ पर जो है इंटरेस्ट बर्डन सपोज करो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट बर्डन नहीं है और यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन है 10 लाख जो हमारे क्वेश्चन में एग्जांपल में है, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यानी कि ये क्या माइनस किया मैंने, इंटरेस्ट, इज इट क्लियर ना। PBEIT पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हम पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 40 लाख और यहाँ पर आपके पास आ गया दैट इज 30 लाख, है ना। इसमें से हम लोग टैक्सेस माइनस करते हैं, मैंने कहा टैक्सेस आर सपोज टू बी 30%, तो 40 लाख का 30% हो जाएगा 12 लाख और ये हो जाएगा 9 लाख। अब ध्यान से देखो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट सेम था,
दोनों ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट सेम था, और ऑर्गेनाइजेशन वन 12 लाख का टैक्स पे कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन टू 9 लाख का टैक्स पे कर रही है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के सेम होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन टू टैक्सेस कम पे कर रही है। वाई, क्यों ऐसा? जस्ट बिकॉज कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन टू ने इंटरेस्ट बर्डन बियर किया। जब ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख का इंटरेस्ट बर्डन बियर कर रही है तो सोचो कोई भी खर्चा बढ़ने से क्या होता है? जब भी कोई भी खर्चा इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो उस हमें जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं। यही हम आपको कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस का बर्डन कम पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ पर हमने आपको यही कहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि 10 लाख का हर साल टैक्स पे कर रही है, अब 10 लाख का हर साल इंटरेस्ट पे कर रही है, क्योंकि 10 लाख का हर साल इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए कम हो रहा है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए हमने आपको कहा कि यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल बर्डन एक्चुअल में 10 लाख नहीं है, एक्चुअल में हर साल का बर्डन 10 लाख से कुछ कम है। कितना कम? बड़ा सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर है कि इंटरेस्ट कॉस्ट इनटू टैक्स रेट। अभी आपने कैलकुलेशन भी की थी ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो अभी के अभी आपने जो कैलकुलेट किया था कि इधर 12 लाख आ रहा है, इधर 9 लाख आ रहा है, यानी कि कितना टैक्सेस बच गए हैं ऑर्गेनाइजेशन टू के, ऑर्गेनाइजेशन के 3 लाख रुपए बच गए हैं। ये 3 लाख रुपए कैसे आएंगे, कैलकुलेट कैसे होगा? जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कंपनी ने एक किस्म से 10 लाख पे किए, कंपनी को उसी 10 लाख में से 3 लाख रुपए वापस मिल गए, तो कंपनी के पास एक्चुअल में बर्डन जो बच गया वो 7 लाख का बच गया। राइट, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि जब 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट 10 लाख कम होगा, तो इस 10 लाख घटे हुए प्रॉफिट पर 10 लाख का 30% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, प्रॉफिट जो है वो नहीं, सिर्फ वही नहीं होता जो हमने कमाया, जो हमने बचाया वो भी तो प्रॉफिट होता है। हमने यहां पर बचाया है कितना बचाया है? इंटरेस्ट कॉस्ट का 30%, यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख जो बचाए हैं 10 लाख के कारण से, तो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज डिबेंचर, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज डेट, फाइनेंशियल बर्डन इज 7 लाख नॉट 10 लाख। सो हमें 7 लाख का बर्डन कंसर करना होगा हर साल, 7 लाख। अब क्योंकि 7 लाख के रिस्पेक्ट से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो जो 10% पहले हमारे पास था वो तो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, दैट इज कूल। सो 10% जो पहले था उसको हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कह सकते, वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल कॉस्ट, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेपरेटली बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन में पर एनम की होनी चाहिए कॉस्ट। दूसरा, फाइनेंशियल बर्डन देखना है कितना है हमारी कंपनी पर, आफ्टर प्लस एंड माइनस ऑल, आफ्टर टैक्स इफेक्ट, आफ्टर ऑल फाइनेंशियल बर्डन देखना है, और विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रेज होना चाहिए, क्योंकि फेस वैल्यू की फॉर्मेट में जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं या फेस वैल्यू की फॉर्मेट में जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाती है उस पर डिस्काउंट हो सकता है, तो अमाउंट रेज जो है वो कम हो जाएगा, उस पर प्रीमियम भी हो सकता है, अमाउंट रेज ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इशू एक्सपेंसेस का बर्डन भी हमारी कंपनी पर पड़ता है। इशू एक्सपेंसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या नाम देते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट।
तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हमें कंसिडर करना होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। और साथ ही साथ हमने कहा, अभी समझाया आपको, कि हमें हर साल टैक्सेस के इफेक्ट को भी कंसिडर करना होगा, राइट। सो दिस रेट विच इज always based on the face value is not our cost of capital. Interest rate, decided in beginning or साथ के साथ लिखिएगा, because of involvement of number one, आपको इसे बताया discount oblique premium, नंबर टू फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नंबर थ्री टैक्सेस, राइट। तो इन तीन कारणों से जो आपके पास रेट गिवन होते हैं वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, राइट। ओके, अगर मान लो इफ वाइड नंबर वन टू एंड थ्री आर नॉट देयर, इफ पॉइंट नंबर वन टू थ्री एंड नॉट, मतलब मान लो डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, टैक्सेस भी नहीं है, सपोज नहीं, ऐसा होगा नहीं कि टैक्सेस ना, सपोज नहीं है। In this case, interest rate on face value or preference, देखो पहले तो हमने बोला कि ऊपर वाले नंबर जो है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ दिस थ्री। अगर तीन चीज़ की एडजस्टमेंट ही नहीं करनी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो नंबर्स हमारे पास थे जो कि विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू है वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विल बी, क्योंकि उस केस में अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो हमारे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कि पान एनम भी कवर हो रहा है, कवर होता ही है, फाइनेंशियल बर्डन भी कवर होता है विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रेज भी है क्योंकि डिस्काउंट प्रीमियम तो है नहीं, तो सब कुछ इसमें कवर्ड है। अच्छा एक चीज़ और लिख देना ऊपर वाले पॉइंट में कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में भी होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जनरली परसेंटेज में ही इवैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। सो आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी इन द परसेंटेज फॉर्म, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आई थिंक क्लियर?
ये आपने कॉपी कर लिया, फटाफट जल्दी से कॉपी कीजिएगा। हाँ जी बच्चों, कम बैक। तो हमने आपके साथ अभी तक बेसिक मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया। दिस इज द बेसिकली बेसिक मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत जल्दी से अगर एक मिनट में बोलें तो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन पर एनम ऑन अमाउंट रेस्ड, अमाउंट रेस्ड मतलब अमाउंट दैट कम्स इन द पॉकेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो मतलब ये कि हम लोग जब इक्विटी की बात करेंगे, जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी की रिस्पेक्ट से कॉस्ट निकालेंगे परसेंटेज के फॉर्मेट में, राइट। और जब हम इक्विटी की रिस्पेक्ट से कॉस्ट निकालेंगे ना तो उसको बोलेंगे के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। लेट अस से इट इज 15%, ऐसे कुछ भी लिख दिया। तो डेप्ट की रिस्पेक्ट से भी फाइंड करेंगे, डेप्ट की रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे के डी इज एज्यूम टू बी लेट अस से 12%। एंड प्रेफरेंस शेयर्स की रिस्पेक्ट से बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्पेक्ट से जब कैलकुलेट करेंगे ना इसको हम बोलेंगे बेसिकली केपी एंड केपी केपी सपोज को भी 15%। ये जनरली इसलिए लिया है कि एक मार्केट में ट्रेंड है कि डेप्ट पर रेट हमेशा कम होता है, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस पे होता है, सबसे ज़्यादा इक्विटी पे होता है, नथिंग एल्स। अदरवाइज कैलकुलेशन में कहीं भी कुछ भी आ सकता है। उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग तो रिटेन्ड अर्निंग्स आर बेसिकली इक्विटी का पार्ट माना जाता है, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट हम बोलते हैं बेसिकली के आर। तो बाय डिफॉल्ट KR एंड KE बराबर होता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग इक्विटी से रिलेटेड है, तो इसलिए इक्विटी का जो कॉस्ट होगा वही रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होगा, राइट। और उसके बाद ये तो हमने निकाल दी कॉस्ट। अब अगर मान लो ये कॉस्ट निकाल दी हमने, तो कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इनके फंड्स क्या क्या हैं, इनका जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या क्या है। सपोज करो ये अमाउंट है 50 लाख रुपये का, ये अमाउंट है 100 लाख का, और डेप्ट का जो अमाउंट है वो है अगेन 50 लाख, और ये है सपोज 20 लाख, राइट। तो अब हमें फाइनेंशियल बर्डन कॉस्ट पर एनम निकालना होगा, कॉस्ट पर एनम। तो ये कॉस्ट पर एनम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे सर 18% जो है हम लोग जो है एक साल का 50 लाख की रिस्पेक्ट से पे करेंगे, तो 50 लाख का 18% कितना हो जाएगा 9 लाख, फिर 100 लाख का 18% 18 लाख, 50 लाख का 18% एंड देन ये आ जाएगा 3 लाख, और इस तरह से इनको टोटल कर देंगे। टोटल बताइए कितना, 36 लाख ना बच्चों, टोटल जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कितना आता है, इज इट करेक्ट। अगर मिस्टेक होगी तो आगे हम लोग दूसरी जगह फंस जाएंगे। इस इज 9, 18, 6, 3, 36 इज करेक्ट, 50, 100, ठीक है, राइट। अब हम जो है ये कॉस्ट निकाल दी कि एक साल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 36 लाख, फंड्स कितने के हैं 220 लाख। तो अब हम निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स इनटू 100। सो टोटल कॉस्ट कितने की है 36 लाख, टोटल फंड्स कितने हैं 220 लाख इनटू 100, ठीक है। और आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, सो दिस इज 36 डिवाइड बाय 220 एंड मेरे पास आता है ये 16.3636 एंड नो डाउट इट इज पर एनम,
तो ये 16.3636 पर एनम क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है दैट फाइनेंशियल ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन फंड्स रेज्ड ऑन फंड्स रेज्ड राइट। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इंटरप्रिटेशन आपको आने बहुत बहुत जरूरी है, इंटरप्रिटेशन आने से ही आप इसीलिए कंक्लूड कर पाएंगे राइट। और इफ ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड ₹100 देन फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पर एनम विल बी ₹16.3636. तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 100 रुपये रेस किए हैं, अगर हमारी कंपनी ने 100 रुपये लिए हैं, तो हमारी कंपनी हर साल जो है 16.36 रुपये हर साल इंटरेस्ट के या कॉस्ट ऑफ फंड्स के पे करेगी राइट। सो दिस इज द बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंड दिस इज ओवरऑल। इसको हमने ओवरऑल क्यों कहा, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि इस 36 लाख को जो हमने बेस लिया था, इस 36 लाख में इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग भी है, डेब्ट भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सभी तरह के जो आपके फंड्स के कॉस्ट है वो सभी के सभी इस 36 लाख में इंक्लूडेड है राइट। नया सवाल मन में आ सकता है, आता होगा, आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नया सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो आपने कॉस्ट निकाली है 18%, 12%, 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 इज इट नॉट सफिशिएंट? व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट दिस 16.3636 ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये अलग से दोबारा से फाइंड करने की क्या जरूरत है ना? और इनफैक्ट हम लोग ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर ही क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल अपने मन में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है राइट। तो इसका आंसर क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है, फंड जो रेज करती हैं, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे रेज करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग दिस एंड दैट राइट। और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं राइट। और अगर मैं बोलूँ फिक्स एसेट्स के बारे में बात करूँ, तो फिक्स एसेट्स भी हमारे पास मतलब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, फिक्स असेट्स में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई और सारे ऑप्शन मतलब ये हो सकता है कि अगर हम लोग एक तरह की मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, वो मशीनरी 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी राइट। अब हर तरह की मशीनरी मार्केट में अवेलेबल है, हमें कौन से सूट करेगी? टेक्निकली मैंने कहा सब सारी एक जैसी हैं, सारी की सारी की मतलब काम सबका एक जैसा है, प्रोडक्शन एक जैसा है राइट। तो हमें कौन सी सूट करेगी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए? मतलब ये मान लो असेट वन हमने देखा और देखा कि यार ये जो है ना 15% रिटर्न हमें दे देगी। कितने रिटर्न दे देगी असेट वन? 15%। अब मुझे बताओ ये 15% रिटर्न वाली जो असेट है वो हमारे लिए बेटर है या नहीं? आप कहोगे सर देखते हैं, हम रिटर्न कमाएंगे 15%, अच्छा, और हमें कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ेगी? हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, हमने अभी अभी देखा था टेबल में, हमने लिखा हुआ है 18% इक्विटी वाली या 12% डेब्ट वाली या प्रेफरेंस वाली 15%। अब बताओ अगर कोई एक असेट जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर वो असेट आपको 15% रिटर्न देने को तैयार है या मिल रही है, तो क्या हमें इस तरह की असेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आपको जैसे अगर ये पैसा डेब्ट से लिया है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर ये पैसा इक्विटी से लिया है
तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी से पैसा आप उधार ले रहे हो, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 18%, जबकि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो 15% से। 18% के कॉस्ट बेयर करके 15% लगा कमा भी लोगे तो आपको 3% का तो अभी भी नुकसान होगा, मतलब आपको नहीं करना चाहिए, है ना। और रिटेन अर्निंग में, हाँ, अगर ये पैसा डेप्ट से लिया हुआ है तो आप कहोगे सर जाओ आप फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करो, राइट। बट थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या कोई कंपनी ऐसे करती होगी कि ये पैसा मेरा इक्विटी वाला है, ये पैसा मेरा प्रेफरेंस वाला है, ये पैसा डेप्ट वाला है? नहीं। जब बैंक में पैसा आता है वो तो ओवरऑल मिक्स हो जाता है, तो वो तो कहीं से भी आया हो, दैट इज़ इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते वन टू वन कि ये इक्विटी वाले से कंपेयर करना है, ये डेप्ट वाले से, ये प्रेफरेंस वाले से। नो, हमें तो ओवरऑल देखना है, हमें ओवरऑल देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर कॉस्ट का बर्डन कितना पड़ा है। और ओवरऑल कैसे देखेंगे? लाइक दिस, सभी सोर्सेस की जो कॉस्ट है वो इकट्ठी कर लो, सभी सोर्सेस से हमारी कंपनी में जो पैसा आया है वो भी अलग से देख लो, और अब आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाई कर लो। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 16.3636%। और फिक्स असेट्स वन के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगी वो कितनी आएगी? 15%। सो इन दिस केस वी शुड नॉट हैव टू इन्वेस्ट, क्योंकि हमें जो रिटर्न मिल रही है वो रिटर्न इस कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 16.3636% फाइंड कर रहे हो, ये क्यों फाइंड कर रहे हो? तो इसलिए दैट एनी प्रोजेक्ट हैविंग रिटर्न, प्रोजेक्ट के जो रिटर्न होते हैं ना उसको हम एक नाम देते हैं, कैपिटल बजटिंग में आपको पढ़ाएंगे, आपने क्या हुआ है तो आपको पता भी होगा। एनी प्रोजेक्ट हैविंग रिटर्न IRR मोर देन 10 overall rate can be accepted for, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसका IRR इस कॉस्ट से ज्यादा हो, ओवरऑल इस कॉस्ट से ज्यादा हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड नो डाउट, एंड वाइज वर्सा लिख लेते हैं, चलो। एनी प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द बेसिकली मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, हैविंग less than overall cost of capital, less than will not be accepted. Is it clear? सो बच्चों, ये हमारे पूरे चैप्टर का थीम था जो मैंने आपको दो लाइनों में लिखवा दिया, कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए आपको ओवरऑल रिटर्न आपके ओवरऑल कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ही नहीं पता तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं? अगर वो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न देगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता, और आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो 15% रिटर्न दे रहा है, अब बताओ, अब आप क्या कहोगे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, आप कहोगे सर ऐसे कैसी बातें कर रहे हो। अगर हमें यही नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न दे रहा है तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे? तो इट्स वेरी, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है पता करना। तो हमें जो है ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना चाहिए, ताकि हम लोग नए प्रोजेक्ट के बारे में ये डिसाइड कर पाएँ कि नया प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें।
राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिकली बेसिक थीम, राइट। इसके बाद एक चीज़ और, ये हमने आपको बताया दिस इज द वे आउट टू आइडेंटिफाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने जगह बना ली है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसी के आगे हो, कहीं पर भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा आपने जो ये लिखा था इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। सबसे पहले फंड्स, नेम ऑफ फंड्स, सो नेम ऑफ फंड्स आर इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा पहले डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा था कॉस्ट, के ई, के आर, के डी एंड ये लिखा था 18% एंड के डी लिखा था 12%, राइट। उसके बाद फंड्स, इसको आप फंड्स कह लो या अमाउंट कह दो, बटा भी उसे इन रुपीस, और ये हमने लिखा था 50, 100, 50, 20, टोटल कितना हो गया था 220 lakhs, राइट। देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं जनरली, वो ऐसे कैलकुलेट करते नहीं है। हालांकि ये बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा ठीक है, परफेक्ट है, बट जब हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम लोग जनरली एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी का ही बेसिकली एक दूसरा रूप है, एक वे है, नथिंग एल्स। सॉल्यूशन आंसर भी सेम आता है। क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग, जो भी फंड आपके पास है ना, उन सब फंड से आप एक वेट्स निकाल लेते हैं। वेट्स, एक वेट होता है जो आप अपना मेजर करते हैं वेटिंग मशीन पर लगकर। यहाँ पर भी हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग जो है 50 लाख का वेट टोटल के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि कितना है। 50 लाख जो हैं वो टोटल के कंपैरिजन में, टोटल मतलब कितना, 220 लाख में कितना है। ऐसे ही 100 लाख जो है वो 220 लाख में कितना है। 50 लाख जो है वो अगेन 220 लाख में कितना है। तो दैट इज कॉल्ड वेट्स, राइट। पॉइंट्स में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी आएगा डेसिमल के 4 digits तक मिनिमम आपको लेना है और ये नंबर यहाँ पर कंसिडर होगा, राइट। एंड दीज आर कॉल्ड वेट्स। तो एक काम करते हैं, पहले ये वेट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन दी कैलकुलेटर एंड लिख लेते हैं। तो 50 divided by 220 दिस इज 0.2272, राइट। और 4 digits को ना 5th digit के बेसिस पर राउंड ऑफ भी कर दो, 3 हो गया। एंड देन 100 lakhs divided by 220, 4545, राइट। एंड 50 lakh अगेन ऊपर वाला नंबर ही आएगा एंड 20 lakh, इट्स 909, राइट। अब जो ये आपने वेट्स निकाले ना, इसको हम बोलते हैं W, राइट, और इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। तो आप क्या करो, इस वेट्स को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, वेट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सो 18 into 0.2273 एंड 18 again into 0.4545
12 × 0.2273 एंड 15 × 0.0909 और यहाँ पर टोटल भी करो और मुझे बताओ कि कितना आता है। मेरे बच्चों इसका आंसर आ रहा है 16.36 3599 आ रहा है, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 16.36% कर दिया। राइट, यू विल ऑल्सो हैव द सेम आंसर, मतलब जो हमने पहले ओवरऑल कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, सेम आंसर यू विल गेट फ्रॉम दिस ऑल्सो। राइट, अच्छा इसी को ही ना हम लोग एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट करते हैं। और इसको बोलते हैं दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग KO से डिनोट करते हैं, KO, राइट। और KO एक्चुअल में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला बना के, मैं जो ये नंबर लिखे हुए ना, ये नंबर इन्हीं नंबर को ऐड कर रहा हूँ और वो फॉर्मूला बन जाएगा। राइट, ध्यान से देखो ये जो नंबर है, ये नंबर है क्या, दिस इज 18 मतलब 18% यानी कि KE, और इस KE को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विटी के वेट से। और ये इक्विटी का वेट कैसे आया, इक्विटी का वेट आया 50 lakh upon 220 lakh करके। राइट, तो हमने यही लिखा, हमने लिखा KE मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस KR into weight of retained earnings plus KD multiplied by weight of debt and one more plus KP multiplied by weight of preference share कैपिटल। राइट, और इस KO को हम लोग जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, KE तो KE है, और जो ये वेट ऑफ इक्विटी है, ये वेट ऑफ इक्विटी हमने कैसे निकाला, देखो हमने क्या किया, इक्विटी वाले पोर्शन को डिवाइड कर दिया टोटल से, इक्विटी वाले पोर्शन को डिवाइड कर दिया टोटल से, यानी कि इसको हमने लिखा इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स प्लस KR इंटू रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स, ठीक है ना। और ये है KD इंटू डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट निकालना है, तो वेट ऑफ डेप्ट कैसा आएगा, अमाउंट ऑफ डेप्ट डिवाइड बाय टोटल फंड्स प्लस लास्ट में KP मल्टीप्लाई बाय दिस इज KP, तो KP रहा वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स एंड अगेन यू विल गेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसको हम क्या नाम देते हैं, KO नाम देते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज ऑलरेडी आपको बताया था, दैट इज वेटेड एवरेज
नहीं बताया बच्चे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये बेसिकली वेट्स के बेसिस पर कैलकुलेट हुआ है। देखो ये सब क्या है, दीज आर द वेट्स, और इन वेट्स के बेसिस पर हमने KO फाइंड किया है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर क्लियर, जल्दी से कॉपी करेंगे। हाँ जी बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये आपने सारा का सारा कॉपी कर लिया है राइट। तो अभी तक हमने आपके आपके साथ क्या बात की कि हमें देखो पूरी चैप्टर में ये करना है। नंबर वन सबसे पहले हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड आउट KD है ना, फिर हमें फाइंड करना सीखना है हाउ टू फाइंड आउट KR, हाउ टू फाइंड आउट KE, हाउ टू फाइंड आउट KP राइट। और जब ये फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइट। बस इतना सही है पूरा चैप्टर, सिंपल ना। तो एक बार लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट राइट। दूसरा डेब्ट मतलब वही डिबेंचर्स, जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, KD। दूसरा हमें फाइंड करना है बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इसको हम कहते हैं KP। उसके बाद हमें फाइंड करना है बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या बोलते हैं इसको, KE राइट। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, हालांकि रिटेन अर्निंग्स का जो रेट होता है वो सेम होता है सेम एज इक्विटी, बट इस बारे में मतलब रिटेन अर्निंग के रिस्पेक्ट से हमें कुछ बातें आपके साथ सीखनी है कि रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है वो कब इक्विटी के बराबर नहीं होती राइट। अच्छा KD जो हमें फाइंड करना होता है ना, KD वो दो मेथड से फाइंड करना होता है। वन इज इफ डेब्ट आर इफ डेब्ट आर इज डेब्ट इज रिडीमेबल, हाँ जी इफ अच्छा रिडीमेबल का मतलब समझते हो ना, रिडीम मतलब कि पैसा रेस किया और कुछ समय के बाद वापस पे कर देना राइट। तो पैसा रेस करने के बाद कुछ समय के बाद वापस पे कर देना मतलब रिडम्पशन, रिडीमेबल, और पैसा रेज किया और उसके बाद कभी भी वापस पे ना करना तो डैट इज इरिडीमेबल राइट। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, शायद आपको मालूम होगा KD इज इक्वल टू, आपको कैसे मालूम होगा, डैट इज इंटरेस्ट KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1-T प्लस RV-NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ठीक है,
इसमें ये सब क्या क्या है, आई स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट, एंड टी स्टैंड फॉर द टैक्स रेट, एंड आर वी स्टैंड फॉर द रिडीमेबल वैल्यू, एन पी स्टैंड फॉर द नेट प्रोसीड्स एट इशू, राइट, और एन क्या है, एन स्टैंड फॉर द लाइफ ऑफ डेब्ट, लाइफ ऑफ रिडम्पशन कह लो, डेब्ट कह लो, एक ही बात है। तो ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, बेसिकली रिडीम वाला। आप कहोगे सर तो आपने फॉर्मूला लिखवा दिया तो ख़त्म, नहीं सर नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म, ये तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके पास पूरी की पूरी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, ताकि इसको रिवाइज करना आसानी रहे। हम लोग आने वाली क्लासेस में इन्हीं सब के बारे में एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं कि ये फॉर्मूलेस बेसिकली आए कैसे हैं, बने कैसे हैं, फॉर्म कैसे हुए, राइट। इफ डेब्ट इज इरिडीमेबल, अगर डेब्ट इरिडीमेबल है तो के डी इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आई इन टू वन माइनस टी, वन माइनस टी डिवाइडेड बाय एन पी इन टू हंड्रेड, राइट। ये एन पी क्या है, वही जो भी लिखा था, सेम, एन पी स्टैंड फॉर द नेट प्रोसीड, एंड टी स्टैंड फॉर द टैक्स रेट, आई स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट, राइट। सो दिस इज बेसिकली नोटेशंस। ये हमने किसके लिए बात की, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं, और ये दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ये जो दो कैटेगरीज हैं और वो हैं, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, एंड मालूम कैसे चलेगा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ऑब्वियसली क्वेश्चन बताएगा, क्लू देगा, मीन्स आपके पास रिडम्पशन वैल्यू है, आपके पास बता हुआ है कि लाइफ ऑफ द डिबेंचर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, तो रिडम्पशन वाले केस है, नहीं तो इरिडीमेबल वाला केस है। तो यहाँ पर हम लोग केपीएम निकालते हैं ना, तो केपीएम का मतलब है, यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय टू इंटू हंड्रेड। और अगर आप इस फॉर्मूले को हमारे डिबेंचर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर आपको वन माइनस टी नहीं दिखेगा, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, राइट। और अगर मैं यहाँ पर इरिडीमेबल की बात करूँ तो यहाँ पर हम केपी कैसे निकालेंगे, केपी विल बी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू हंड्रेड, इनटू हंड्रेड, राइट। ये भी आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हमने आई लिखा था, आई के जगह तो वहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड आना ही है, और वन माइनस टी नहीं लिखना, और डिवाइड बाय एनपी इनटू 100, एनपी का मतलब क्या है, एनपी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, एनपी स्टैंड फॉर द नेट प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू, राइट। अब बात रहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी हमारे पास चार अप्रोचेस हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के यहाँ पास चार अप्रोचेस हैं, दो नहीं बल्कि चार, और ये कौन कौन सी हैं, वन इज डिविडेंड यील्ड अप्रोच, और दूसरा है अर्निंग बेस्ड मॉडल, और इसके अलावा है सी ए पी एम मॉडल, राइट। और ये
ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के भी दो मेथड हैं, राइट। दो मेथड नहीं है, ये दो कैटेगरी हैं बेसिकली। इन दोनों कैटेगरी के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, राइट। फिलहाल हम आपके साथ जो बातें शुरुआत कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स को लेकर, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने भी मेथड मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो हम आपके साथ आज या आने वाली क्लासेस में करेंगे, ये सभी के सभी जो मेथड हैं वो बेस्ड एक ही चीज़ पर हैं, और वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सभी के सभी मेथड बेस्ड एक ही चीज़ पर हैं, डेट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। आप देखोगे कि इन सभी के अंदर एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा, ये भी लिख लो आप, ऐसे करेंगे हम बाद में, डेट इज़ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग के अंदर है एंड सेकंड इज के इज नॉट इक्वल टू के आर, राइट। सो ये कब होता है ये बताना आपको, तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में आपके साथ एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेस क्या है बता दिया आपको, टाइम वैल्यू मनी। अगर आपने टाइम वैल्यू मनी नहीं देखा है तो यूट्यूब पर हमने टाइम वैल्यू मनी पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है, फुल चैप्टर डाला हुआ है टाइम वैल्यू मनी का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, राइट। सो अब हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली कॉस्ट ऑफ द डेब्ट। और कॉस्ट ऑफ द डेब्ट में भी हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, रिडीमेबल डेब्ट, राइट। एक रिडीम वाला है और एक इरिडीमेबल है, तो पहले क्या करने जा रहे हैं, रिडीमेबल डेब्ट वाला, राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा, सुनेगा, समझेगा। देखो, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन T0 पर कोई डेब्ट इशू करे, सपोज करो डेट इज वर्थ ₹100 crore, दीज आर द डेब्ट, राइट। तो जब भी डेब्ट इशू करते हैं तो इसका रेट ऑफ डेब्ट जो है वो पहले से फिक्स होता है, लेट अस से 10%, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी को हर साल इतना इंटरेस्ट मतलब पे करना पड़ेगा, और जो ये 10% ये जो फिक्स होता है, ये हमेशा हमेशा किस रिस्पेक्ट से होता है, डेट इज़ ऑलवेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू, राइट। सो 100 करोड़ का 10% निकालना, T1, T2, T3, T4, T5, 100 करोड़ का 10% निकलेगा 10 lakh। तो 10 लाख रुपए का डेब्ट हमारी, हाँ 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमारी कंपनी को हर साल पे करना होगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा ये रिडीम वाला डेब्ट कर रहे हैं, तो 5 साल जब ख़त्म हो जाएंगे या कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाएगा, तो जो डेब्ट हमारी कंपनी ने इशू किया हुआ है वो डेब्ट हमारी कंपनी को वापस भी पे करना पड़ेगा। किसको वापस पे करना पड़ेगा, जिनसे पैसे उधार लिए हुए हैं, राइट। तो बाद में ये 100 lakh rupees देने भी होंगे, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, राइट। अब हमें फाइंड करना है KD, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट KD। सो दिस KD वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। अब KD फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टाइम वैल्यू मनी, मैंने आपको कहा कि वो बेसिक है, राइट। और वो हर जगह पर यूज़ होगा, चाहे वो KD हो, चाहे वो KP हो, चाहे वो KE हो या KR हो, कुछ भी हो, तो क्या यूज़ होगा, टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मतलब मनी मतलब
कि इनफ्लो आउटफ्लो रिलेशनशिप, मतलब सपोज मैंने आपको पैसे उधार दिए और कुछ समय के बाद ज़्यादा पैसे वापस ले लिए, तो आपसे जो ज़्यादा पैसे वापस लिए होंगे वो किस लिए लिए होंगे, डेट इज़ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो वही कॉस्ट ऑफ फंडिंग हमें जो है फाइंड करनी है इन परसेंटेज एंड पर एनम। अब वो पता नहीं हमें कि कितनी है, राइट, बट हाँ वो होनी किस रिस्पेक्ट से चाहिए, वो इस फेस वैल्यू की रिस्पेक्ट से नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रेज्ड। अब वो अमाउंट रेज कैसे आएगा, सिंपल है, मान लो डिस्काउंट भी है हमारे पास, डिस्काउंट है लेट अस से अगेन 5%, तो 5 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो कंपनी की जेब में नेट प्रोसीड्स, कंपनी की जेब में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड। तो 10 करोड़ का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है 5 लाख का, तो हमारी कंपनी के जेब में कितने आया, 95 लाख। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में अमाउंट फाइंड करेगी, सॉरी जो केडी फाइंड करेगी, वो किस रिस्पेक्ट से फाइंड करेगी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द 95 लाख, नंबर वन। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट भी होता, तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि कंपनी ने 100 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, साथ ही साथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, मतलब जो एजेंट रखा है उसको भी कमीशन पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा भी है तो नेट प्रोसीड्स और कम हो जाएगा, दो लाख, राइट। तो हमारी कंपनी के पास, हमारी जेब, मतलब कंपनी की जेब में कितना आएगा, 93 लाख। तो जैसे कि हमने आपके साथ सीखा भी था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा हमेशा किसके रिस्पेक्ट से फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द नेट प्रोसीड्स, हमारी कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है। तो कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है, 93 लाख, नंबर वन। अब कंपनी की जेब से पैसा जा कितना रहा है हर साल, तो कंपनी के जेब से जो पैसा जा रहा है वो 10 लाख है, राइट। तो हमने कहा कि हमारी कंपनी के जेब से 10 लाख रुपए हर साल जा रहे हैं, सो दिस इज कॉस्ट। बट मैंने आपको ये भी बताया कि अगर टैक्सेस हैं हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है, टैक्सेस, लेट अस से टैक्सेस हैं 30%, तो वो 30% का जो टैक्स है वो टैक्स एक किस्म से हमारी कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करती है, अगर हमारी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है और टैक्स रेट 30% है, यानी कि हमारी कंपनी का इंटरेस्ट के कारण से खर्चा बढ़ गया और टैक्सेस कम पे करने पड़े, राइट। तो यहाँ पर हमारा टैक्स का सेविंग हो जाएगी 3 लाख रुपए की। आर यू गेटिंग दिस, आई रिपीट अगेन, 10 लाख रुपए का अगर हमारी कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया और 30% आर द टैक्सेस, तो दिस मीन्स 3 लाख इज द अमाउंट ऑफ सेविंग टू द कंपनी, टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी पर जो एक्चुअल में हर बार बर्डन पड़ा है वो पड़ा है बेसिकली 3 लाख रुपीस का, सॉरी कंपनी पर जो एक्चुअल में हर साल का बर्डन पड़ा है वो एक्चुअल में पड़ा है कितने का, 7 लाख रुपीस का, 7 लाख, राइट। और इसके साथ साथ कंपनी को 5 साल के बाद 100 लाख रुपीस जो कंपनी ने पहले स्टार्टिंग में उधार लिए थे वो वापस भी पे करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें ना एक इनफ्लो आउटफ्लो रिलेशनशिप फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, इनफ्लो आउटफ्लो रिलेशनशिप। कंपनी की जेब में कितना आ रहा है, 93 लाख, कंपनी की जेब से जा कितना रहा है हर साल, कंपनी की जेब से एक्चुअल में सब कुछ कंसिडर करने के बाद कंपनी की जेब से जो जा रहा है वो है 7777 और लास्ट में कितना, 100 लाख, राइट। ये जा रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में, ये जा रहा है सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, और ये भी फिफ्थ ईयर के एंड में, क्योंकि 5 साल की हमने ली थी ना टर्म, तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट भी जा रहा है और जो पैसे लिए थे वो वापस दे रहे हैं वो भी वापस जा रहा है, तो दोनों के दोनों चीज़ें जा रही हैं, राइट। अब अगर ये दोनों के दोनों चीज़ें जा रही हैं तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा दैट हाउ मच इज़ द केडी बेसिकली, राइट। तो हम कहते हैं कि सर देखो, कंपनी की जेब में आए 93 लाख और कंपनी की जेब से गया कितना, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख एंड 100 लाख। तो कंपनी की जेब से जो गया वो टोटल गया, देखो आप कैलकुलेट करो, 100 7 7 7 135 लाख, जेब में आया कितना, 93 लाख। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी कंपनी की जेब से गया वो क्यों गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द केडी, राइट। तो इन सभी के सभी अमाउंट्स में दो चीज़ें हमारी कंपनी की जेब से गई,
जो पैसा लिया था वो तो गया गया, साथ ही साथ केडी के मतलब कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण से भी एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी कंपनी ने बियर की। तो अगर हम लोग इस पूरे के पूरे नंबर में से इंटरेस्ट का बर्डन हटा दें, और आपको याद है टाइम वैल्यू में हमने सीखा था कि अगर हमें इंटरेस्ट का बर्डन हटाना है, माइनस करना है, टाइम वैल्यू मनी माइनस करनी है, तो हमें वन प्लस मतलब वन प्लस आर पावर टी से, टी यहाँ पर वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, यहाँ फाइव है, और यहाँ पर भी फाइव है, ये टाइम वैल्यू मनी हटाना होगा। और इनका जो सम आ जाएगा, अगर आपने 7777 आउटफ्लो में से इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन हटा दिया, तो वो किसके बराबर आएगा, जो पैसा हमारी कंपनी ने नेट प्रोसीड्स के फॉर्मेट में लिया था। और इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग केडी निकालेंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब तो सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज आवर बेसिकली टुडेज क्लास टिल नाउ।